कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर सकती है नेशनल हेराल्ड मामले में। ये एक खबर सामने आई जिसके बाद पूरी की पूरी कांग्रेस बुरी तरीके से बौखला गई, विपक्ष भी बौखला गई और इस मामले को लेकर लगातार रिएक्शंस का दौर देखने के लिए मिला। असम कांग्रेस, कर्नाटक कांग्रेस और जितने भी कांग्रेस की आईडीज है, यूपी कांग्रेस, सभी जगह से जो है इस पोस्ट करके जो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलने लगा। जबकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसा कुछ अगर आप कहेंगे ईडी के सामने से अभी तक अपडेट नहीं आई है, ऐसा कुछ अगर आप कहेंगे कि पुख्ता खबर नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट सामने आई है कि कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से ईडी एक बार फिर से पूछताछ कर सकती है और इसके बाद ही पूरी तरीके से जो है स्थिति अब बदलती हुई नजर आई। पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे कि रिएक्शन का जो माहौल है वो देखने के लिए मिला, जहां पर यूपी कांग्रेस से लेकर हर जगह कांग्रेस ने इस मामले को लेकर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। हम एक एक करके बताएंगे किस तरीके से कांग्रेस इस मामले को लेकर बौखलाई हुई है। आपको बता दें कि इस मामले पर आधिकारिक तौर पर बयान सामने अभी तो नहीं आया है कि राहुल गांधी से पूछताछ होगी, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे पूछताछ करना चाहती है। इससे पहले भी ईडी ने इस मामले में उनसे जून 2022 में भी पूछताछ की थी और तब ईडी ने करीब चार दौर की पूछताछ हुई थी और ईडी ने राहुल गांधी से 40 से अधिक सवाल पूछे थे। और ईडी इस समय आपको बता दें कि इस मामले को लेकर, इस पूरे वाक्य को लेकर वो सोनिया गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है और ऐसे में एक बार फिर खबर आ रही है कि राहुल गांधी से पूछताछ की जा सकती है, जिसके बाद रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है, रिएक्शंस का दौर देखने के लिए मिल रहा है कि ईडी एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ करना चाहती है और पूरी तरीके से कांग्रेस जो है इस मामले को लेकर एक्टिव हो गई। कुछ लोग ये कह रही है कि ये तो अब वही इंतजार जो है खत्म होने वाला है, वो घड़ी है जो आ गई है जब राहुल गांधी से एक्चुअल में जो है अब ये पूरे मामले में पूछताछ होगी और साथ ही साथ इस मामले में काफी कुछ और भी खुलासा होगा। तो वहीं कांग्रेस के नेता श्रीनिवास, खबर की ब्रेकिंग जो खबर चल रही है उसका एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, वीडियो क्लिप शेयर करते हैं और उसके बाद देखते हैं मोदी जी क्या मिलता है इन उल फजूल हरकतों से, यानी इसका भी ठिकरा जो है वो पीएम मोदी के सिर पर जो है फोड़ रहे हैं और कह रही हैं कि क्या मिलता है इन उल फजूल हरकतों से, ऐसा आप क्यों कर रही हैं, ये बातें जो है उनके द्वारा कही जा रही थी। यानी साफ तौर पर ये नेशनल हेराल्ड मामले में एक से पूछताछ की बात सामने आई है और पूरा का पूरा ये जो गैंग है ये एक्टिव हो गया, पूरा का पूरा जो गैंग है उसे अब लग रहा है कि इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, जिसके बाद इस मामले को लेकर उनके जो एजेंडा प्रोपागेंडा गैंग है वो भी कह रही है कि राहुल गांधी क्योंकि अदानी का मुद्दा उठा रहे इस वजह से अब ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। तो लगातार इस मामले को जो लेकर रिएक्शन, जैसा कि हमने आपको कहा, देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर असम कांग्रेस लिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपका असली चेहरा अब देश के सामने आ चुका है, आपने पूरे इतिहास में जो है जिस तरीके से कंट्री को, आपने जो देश को आपने लूटा है, उस वैसा किसी ने भी नहीं लूटा है। ईडी राहुल गांधी को समन कर सकती है और जो कि पूरी तरीके से अब आप देश की आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा मोदी जी, जो सच है वो सामने आता ही रहेगा और आपके बहुत कम दिन जो है बचे हुए हैं। यही नहीं, आप देखिए किस तरीके से बौखलाहट है। इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा भी इस खबर को लेकर पोस्ट किया गया, उन्होंने लिखा है ये डर अच्छा है। लिस्ट लंबी है, यूपी कांग्रेस द्वारा भी इस मामले को लेकर पोस्ट किया गया है। जननायक के इन सत्ताइयों के पैतराबाजी के बारे में भविष्यवाणी की थी, उन्होंने कहा था आज वो सामने आ रहा है, लेकिन हम उनके इस चालबाजी से तनिक भी घबराने वाले नहीं है। यानी जननायक कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही है, कुछ इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है उन्होंने जो बातें कही थी सही आ गई। नेशनल हेराल्ड मामले में से पूछने की खबर आई है, सूत्रों के हिसाब से जो है सिर्फ ये आया है कि सूत्र बता रही हैं और उसके बाद ही इनके अंदर पूरी बौखलाहट जो है वो देखने के लिए मिल रही है, पूरी तरीके से बौखलाहट जो है वो देखने के लिए मिल रही है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस मामले में पूछा जा सकता है और राहुल गांधी को कोई कैसे क्वेश्चन कर सकता है, राहुल गांधी से आप कैसे पूछताछ कर सकते हैं। तो कांग्रेस का जो चल चरित्र है, कांग्रेस की जो चीजें हैं, अब वो देखने के लिए मिल रही है, जहां पर अब कांग्रेस इस बात से ही बौखला गई है कि कैसे राहुल गांधी से पूछताछ हो सकती है। अब ऐसे में नेशनल हेराल्ड का ये जो पूरा मामला है ये क्या है समझिए। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल जो नेहरू हैं उन्होंने इससे जुड़ा हुआ मामला था जो 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। इस मामले में घोटाले का पूरा मामला था जिसे लेकर चीजें कही जा रही है, या कहिए कि जिस मामले को लेकर पूछताछ की बात सामने आ रही थी। अब कांग्रेस को इसके बारे में पता चला और कांग्रेस इसे लेकर बुरी तरीके से बौखलाई। टीएमसी द्वारा भी इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है, कुछ से एसोसिएट करते हुए एक महिला है अक्रज ज्योति चक्रवर्ती, वही भी कह रही है कि आप अपने लोगों जो भ्रष्टाचार में है आप उनके ऊपर नहीं चीजें कर रही हैं, राहुल गांधी को आप टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ इस तरीके से किया जा रहा है।
एक और रैंडम आपको बता दें कि जो व्यक्ति है भीख माथुर करके एक आईडी है, उस पर भी कहा गया है कि अब घड़ी आ गई है। कहा जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ये बड़ी कार्रवाई हो सकती है, और अभी तक पूरी तरीके से इस मामले में 752 करोड़ रुपए, 752 करोड़ रुपए के एसेट को भी अटैच किया जा चुका है। जून 2022 में इनसे पूछताछ भी हो चुकी है, और अब जो है ये बड़ा स्टेप लेने की तरफ है। तो नेशनल हेराल्ड का ये मामला क्या है समझिए थोड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में द नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड करता था, यानी एजेएल करता था। कुछ समय बाद एजेएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया। इसे कंपनी एक्ट 1825 इसके तहत कर मुक्त भी कर दिया गया। एजीएल अंग्रेजी के नेशनल हेराल्ड का तो प्रकाशन करता ही था, इसके साथ ही वह उर्दू में कौमी आवाज और हिंदी में नवजीवन भी प्रकाशित करता था। इसकी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना और पंचकुला सहित विभिन्न शहरों में प्रमुख अंचल संपत्तियां हैं। 2008 तक इसका प्रकाशन जारी रहा, और इसके बाद कंपनी को घाटे में दिखाकर इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। कंपनी की एक संपत्ति दिल्ली में 5A हेराल्ड हाउस जो है बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। मामला तब चर्चा में आया जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है, उसने कंपनी को 2010 तक इंटरेस्ट फ्री लोन जो है दिया। AICC के लोन देने के बाद 2010 के अंत तक AJL का कर्ज बढ़कर 90.21 करोड़ रुपए हो गया था। 23 नवंबर 2010 को यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना। कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने थे गांधी परिवार के वफादार सैम पित्रोदा और सुमन दुबे। हालांकि कंपनी की स्थापना के तुरंत बाद दोनों निदेशकों ने अपने शेयर्स कांग्रेस नेता ऑस्कर जो है फर्नांडिस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मोतीलाल वोरा को हस्तांतरित कर दिया। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को यंग इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, और 22 जनवरी 2011 को सोनिया गांधी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल हुई। मार्च 2017 तक कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी हिस्सेदारी 38 से 38% हो गई, यानी कुल 76% हो गई। वोरा और फडणवीस के पास हिस्सेदारी बची 24%। यंग इंडिया ने तब तक खुद को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पंजीकृत कर लिया था, जिससे वो 100% कर यानी टैक्स छूट के योग्य हो गया। दिलचस्प बात यह है कि साल 2010 में यंग इंडिया मात्र 5 लाख रुपए में बनी थी। AJL का अधिग्रहण करते वक्त यंग इंडिया के पास 50 लाख रुपए भी नहीं था। अधिग्रहण के लिए यंग इंडिया को मेसर्स डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता से 1 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा था। अब ऐसे में ये पूरा मामला इस तरीके से आया जिसके में घोटाले और अनियमितता की बात सामने आई, और इसके बाद इस मामले पर पूछताछ होने लगी। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का इस मामले में कहना है कि मैंने हमेशा AJL मामले में ईडी की भूमिका को विचित्र और अकल्पनीय माना है। जहां कहीं कभी कोई संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई, जहां अपराध की आय तो दूर दूर धन का कोई आगमन भी नहीं हो सकता है, ना ही हुआ है, जहां अंतिम शेयर धारक एक गैर लाभकारी कंपनी है, ये ना तो धन के आवागम का है ना ही संपत्ति के आवागमन का एक अजीब मामला है, और इसीलिए PMLA कानून अपने आप अनुपयुक्त है। अगर ईडी राहुल गांधी को परेशान करेंगे या काफी पर बुलाना चाहता है तो यह उनकी इच्छा है। पिछली पूछताछ में क्या कहा था सोनिया और राहुल ने, आपको बता दें कि पूछताछ के पिछले दौर के दौरान सोनिया और राहुल गांधी दोनों ने ईडी अधिकारियों को बताया कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक गैर लाभकारी कंपनी है, और नेशनल हेराल्ड की मूल कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के वित्तीय लेन देन दिवंगत मोतीलाल वोहरा की ओर से संभाले जाते थे। अब ईडी इस मामले में क्या दावा कर रही है, 6 जनवरी को ST की ओर से प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कुल 988 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की पहचान की है। इसमें 755 करोड़ रुपए की रियल स्टेट और अन्य संपत्तियां, 90 करोड़ रुपए के शेयर, 2010 से 11 में अर्जित 142 करोड़ रुपए का किराया शामिल है। ईडी ने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2010 से 11 में YI की ओर से कंपनी का अधिग्रहण करने के बाद AJL ने दिल्ली, मुंबई, इंदौर, पंचकुला, लखनऊ और पटना में अपनी प्रमुख संपत्तियों से यह किराया जो है कमाया है। तो आप देखिए कि दावे बहुत सारी हैं, चीज़ें बहुत सारी हैं, और इस मामले को लेकर सिर्फ एक सूत्र की जो है खबर है वो सामने आई है, और पूरी की पूरी कांग्रेस बौखला गई है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, उस मामले पर अब आपकी जुड़ाव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।